तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं वो लास्ट का जो नो बॉल था या नहीं था। तो अब अभी देखो, अभी मैं पिक्चर साइड में आपको पिक्चर दिखाता हूं, वो वाली मुझे मिली वो। तो देखो जितना मैं आपको बताया उस पर दो रीजन है वो नो था, मुझे ऐसा लगता है कि वो नो था। बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो वो निकोला कोरी थी बैट्समैन वो बहुत क्रीज के अंदर खड़ी थी, वो ज्यादा बाहर भी नहीं थी और थोड़ा वो झुक के खड़ी थी। और अगर आप बॉल को देखोगे तो वो एक लाइन खींचोगे, एक वर्चुअल लाइन खींचोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो कंबर के थोड़ी सी ऊपर बॉल थी, थोड़ा क्या कहते हैं मुझे मैं मराठी में बोल रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी ऊपर बॉल थी, वेस्ट के ऊपर बॉल थी। तो मुझे लगता है कि वो नो बॉल था। और जैसे अगर आपने कैप्टन का जो कहते हैं पोस्ट मैच अगर देखा होगा तो उसमें उन्होंने भी कहा था कि उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये नो बॉल होगा, नो बॉल होगा, और इवेंचुअली नो बॉल ही हुआ। एंड क्या ही कहो यार, देखो यार झूलन गोस्वामी ही इज अ गुड बॉलर, बट जैसे मैंने बोला था यार प्री वाले शो में, सेकेंड इनिंग में अगर आप बॉल करोगे तो बहुत सारी नमी आ सकती है, ड्यू आ सकती है, वही हुआ। इसीलिए एक बॉल उनके हेलमेट पे लगा था जो नो मिला था, और ये वाला बॉल तो क्या ही कहूँ। देखो अगर मैं बात करूँ इंडिया मैच कहाँ पे हारा, तो मुझे ऐसा लगता है ना, देखो शुरुआत करते हम पहले पे बैटिंग से करते हैं यार। तो देखो बैटिंग तो यार एक्सेप्शनल रही हमारी, जो हमारी शुरुआत हुई स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा आउट हो गई 22 रन स्कोर करके। उसके बाद थोड़ा सा हम धीरे हो चुके थे, मिताली राज आई वो आउट हो गई वो, बिकॉज उस समय पे क्या हुआ ना, मेरे घर की टीवी लाइट थी वो जा चुकी थी, इसलिए मैं बीच बीच में क्रिक बस पे देख रहा था, जियो टीवी पे देख रहा था, बिकॉज लाइट जाती तो नेटवर्क भी इतना आता नहीं है। फिर मुझे ये यास्तिका भाटिया आई थी, तब उनको वो जब आई तब मैंने देखना शुरू किया, तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर ही रही थी यार, वो एलिस पर ही उनको सता रही थी। फिर एट द एंड डे उनको विकेट उनका विकेट चला जाता है। उसके बाद आती है दीप्ति शर्मा, फिर मैं जैसे बोला मैं थोड़ा बाहर गया था काम से, वो आउट हो जाती है। उसके बाद से जो ऋषा घोष और स्मृति मंदाना ने किया है, क्या बोलूँ, स्पेशली स्मृति मंदाना ने जो अपने रन स्कोर किए थे, पहले स्कोर किए थे, उसके बाद थोड़ा बीच बीच में चौका छक्के मारे थी, बट जो ऋषा घोष ने पारी खेली, वो स्मृति मंदाना हमें पता है वो तो उनका काम है करना, वो तो करेंगे ही, पर जो ऋषा घोष ने किया यंगस्टर यार क्या ही बोलूँ, जो अटैकिंग इंटेंट दिखाया, बिकॉज उससे पहले हम थोड़ा स्कोर हमारा कम हो रहा था, बिकॉज हमारे आई थिंक सो 10-15 ओवर में हमारे कुछ 60-70-90 रन थे, उस थोड़ा जैसे क्लोज आ रहे थे, 20 ओवर में हमारे 90 हो गए, 10 ओवर में हमारे 60 रन थे, तो इतना हम नीचे गिर चुके थे। पर जैसे ऋचा घोष आई उन्होंने बूस्ट दिया। उसके बाद अगर स्पेशल मेंशंस की बात करूँ, जो झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्रकर ने जो लास्ट के 20-20-30-30 रन मारे वो कितने इंपॉर्टेंट रहे, वो हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए, इसलिए इतना एंड तक मैच गया। तो एक बात करी, अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ इंडिया की, देखो तो शुरुआत हुई थी मेघना सिंह, झूलन गोस्वामी, मतलब क्या ही बोलूँ, हमारी फील्डिंग हमारी क्या है, मतलब वो अपने राजेश्वरी का कैच देखा होगा, आई थिंक सो वो रनआउट एलिस पेरी का देखा होगा, पूजा वस्त्रकर ने किया था, मतलब क्या ही बोलूँ यार, हमारा सब टॉप लाइन जा रहा था 16 ओवर तक। उसके बाद मैं कहूँगा हमारा जो कैप्टनशिप जो डिसीजन लिया ना, ये देखो देखो पहले मेघना सिंह और झूलन गोस्वामी ने बॉलिंग की शुरुआत की, पर जो उसके बाद एज अ फर्स्ट चेंज आया वो थी अपनी राजेश्वरी का रिकॉर्ड। जब तक वो कर रही थी ना बॉलिंग तब तक सब मैच कंट्रोल में था। जैसे ही वो गई दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, दीप्ति शर्मा ने लास्ट में थोड़ी बॉल अच्छी की, वो भी उनको एक जो लास्ट में विकेट मिला था वो भी उनके लक से मिला था, जो तानिया मैग्रैंड का विकेट था उनको लक से मिला था, मतलब शॉर्ट बॉल थी, उन्होंने फास्टर वाली बॉल डाली थी, मतलब जो छोटे रनअप से, इसीलिए उनको विकेट मिल गया, थोड़ी शॉर्ट बॉल भी थी, शॉर्ट सिलेक्शन भी उनका खराब था, नसीब खराब था मैं कहूंगा इसलिए। और जो बीच का ओवर जैसे मैंने बोला, जो दीप्ति शर्मा पूनम यादव ने इतने अच्छे ओवर उन्होंने नहीं किया यार, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही खराब बॉलिंग थी, पर जिस तरीके से वो तानिया मैग्रैंड ने बैटिंग किया यार, मैंने उनको आज अपने ड्रीम इलेवन की टीम में भी उनको लिया था, मैंने स्मृति मंदाना को कैप्टन किया था, एंड क्या ही कहूँ। और उसके बाद एक नाम जो आपको लेना ही पड़ेगा, वो है भाई साहब बीत मुनी। अब वो एक साइड से अब चिपके जा रही थी, जब तानिया मैग्रैंड खेल रही थी तब भी जो अगर उसको मौका मिल रहा था तो 4-4-6 मार रही थी, सिंगल डबल्स कर रही थी। इवन अब निकोला कोरी की बात करूँ, उन्होंने भी एंड में आके 30-32 रन मारे। हाँ उनके जो लास्ट के 3-4 ओवर में उसके बॉल कनेक्ट हो नहीं रहे थे उन्होंने, और एक चीज़ ये भी थी यार, जो जो बीच में उन्होंने स्पिनर मिताली राज ने यूज़ किया
वो बहुत अच्छी टेक्निक थी यार। मैं भी सोच रहा था क्यू स्पिनर लाए और मुझे ऐसा लग रहा था फास्टर क्यों नहीं आ रहे, बट बिकॉज अगर वो पिच भी थोड़ी स्लो हो रही थी बैट्समैन को, अगर फास्टर आ रहे थे तो बैटिंग करना आसान हो रहा था, बिकॉज उनके बॉल अच्छे से हाथ में बैठ नहीं रही थी, बॉल अच्छे से छूट नहीं रही थी, उनको उल्टा पेस मिल जाती, बिकॉज ग्राउंड में भी पूरी पेस नहीं थी, पिच पूरा स्लो था, आउटफील्ड पूरी स्लो थी, मेहनत करनी पड़ रही थी। उस निकोला कोरी ने जो दो तीन चार पाँच अपने रिवर्स देखे होंगे वो भी उनके अच्छे से लगे, उनमें भी दो दो रन मिले, तो एक बात थी। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा ना, जो बीच के ओवर में उन्होंने ना थोड़ा ठीक है अपने विकेट नहीं लिए, अपने थोड़ा रन कंटेन करने चाहिए थे, बिकॉज मैंने जब 20 ओवर के करीब देखा था ना, जब मुझे याद आ रहा है तब 8 का था रिक्वायर्ड रन रेट था, और जब मैं 32वें ओवर में देख रहा हूँ तभी भी 8-8.5 का ही चल रहा था, तो उसमें हमें दिक्कत कर गया। हमें थोड़ा सा ना वो मतलब हमने कोशिश करनी चाहिए थी कि जितने डॉट्स बॉल आए उतना कोशिश करते, राजेश वेड़ी का गायकवाड़ का मैं तो कहता हूँ उधर ही अगर आप स्पेल खत्म कर देते तो क्या पता वो 8 से वो 9-10 का रिक्वायर्ड रेट हो जाता और थोड़ा उनको और मुश्किल हो जाता, बेतमुनी को थोड़ा और रिस्क लेना पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो देखो अब क्या ही कहे, चलो हार गए मैच, मैं बोलूँ तो ऐसी हार हमें एक्सेप्टेड है यार, एज कम्पेयर टू पहली मैच ये हार तो मुझे एक्सेप्टेड है, ठीक है हमने अच्छा खेला, हार जीत होती रहती है, मतलब वो तो भाई साहब नो बॉल के पहले जो इंजॉय, मैं भी बहुत खुश था, मैं नाच रहा था, मुझे ऐसा लगा था एक डाउट आ रहा था, बट जैसे लाइव एक्शन में मुझे लगा नहीं नो बॉल था, बट इवेंचुअली नो बॉल निकला एंड हम हार गए। क्या बोलूँ, लास्ट में भी हमें जो रनआउट का मौका मिला था वो भी हमने छोड़ दिया, फिर तैतालिया मैग्रांड का कैच आया था जुलन गोस्वामी को वो छोड़ दिया, आई थिंक सो मुझे बीत मुनी का एक इन्होंने छोड़ दिया, आई थिंक सो ऋचा घोष ने स्टंपिंग छोड़ दी, बीत मुनी के निकोला कोरी की स्टंपिंग छोड़ दी, तो हमने भी बहुत सारे उनको मौके दिए, बट क्या है वो ये ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से ही मैच बनता है। और आई थिंक सो एक LBW का भी चांस था बीत मुनी को, वो भी हमने छोड़ दिया, मतलब हमने अपील की थी बट एम्पायर ने आउट दिया नहीं और हमने रिव्यू नहीं लिया, आई थिंक सो रिव्यू हमारे पास नहीं थे, तो क्या कहूँ यार, इट द मैच इज लाइक, मतलब हमारा नसीब हमारे साथ नहीं था, अगर होता तो शायद हम जीत जाते। तो बस यार इतना रखता हूँ आज वीडियो के लिए, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा मिनट हो गए इसको अपलोड करने में, मेरी जान निकल जाएगी, बिकॉज अभी पापा भी नहीं तो उनका भी नेट में यूज़ नहीं कर सकता, मेरे पास 1 GB रहता है। तो बस यार इतना रखता है आज के लिए, अगला मैच का प्रीव्यू आएगा, देखो यार ये तो मैच इतना मैं आप सच बोलता हूँ इज अ डेड रबर, जीतेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं मैच देखूंगा, रिव्यू आपके लिए लाऊं, प्रीव्यू मैं शायद से नहीं लूंगा, बिकॉज अभी आर्चरी के मैचेस है, फिर अपना अभी क्या कहते हैं अपना बैडमिंटन के मैचेस है, बास्केटबॉल आने वाला है, सो सॉरी फॉर दैट। तो बस यार इतना रहता है आज वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस आउट।